तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय माता दी। आज हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। आज इतना खास दिन हमारे लिए, बहुत बड़ा खास दिन है आज 17 जनवरी, और माता रानी का जन्मदिन है आज, शाकुंभरी माता जी का। तो आज हम माता रानी का दरबार से जाएंगे और उनको भोग लगाएंगे, उनका जन्मदिन मनाएंगे, और हमारे साथ वो लोग में जुड़े रहना, इसकी मत करना। आपको माता रानी के दर्शन करवाएंगे, आपका भोग लगवाएंगे माता रानी को, और हमारी जो हमारी सबसे प्यारी वाली माता रानी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी माता राज रानी है। हम इनकी देखभाल करते हैं, जैसे लड्डू गोपाल है इसलिए हमारी ये माता राज रानी है। तो चलते हैं हम ऊपर की तरफ, तो अब मंदिर की मैं आपको लेके जाऊँगा, तो वहाँ पे हम सजाएंगे, थोड़ी देर मार्केट जाएंगे, सामान लाएंगे वहाँ पे। तो गाइस, हम माता रानी के दरबार में पहुँच चुके हैं। ये हमारा दरबार है माता राज रानी का, और अब हम इन सजाएंगे, थोड़ा सा और बलून लगाएंगे माता रानी के, ये माता रानी के नाम है, और बाबा जी भी। अब हम इनको थोड़ा सजाएंगे और माता रानी को भोग लगाएंगे फिर। तो अब हम मार्केट चलते हैं, पहले मार्केट में सामान लेने के लिए जाएंगे। तो मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, हम तीनों इकट्ठे हो गए चारों, तो माता रानी का दरबार सजाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं बाजार की तरफ, तो आप मिलते आगे बलून। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज। गाइस, हम चलते हैं मार्केट, अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं, बाइक ही नहीं है ना आज हमारे पास, तो बाइक पे नहीं, हम नज़दीक है मार्केट, तो हम जा रहे हैं पैदल पैदल जाएंगे हम। तो उसके बाद हम मार्केट में सामान ला के फिर सजाएंगे, ठीक है। हमारे घर से इतने दूर नहीं पड़ती मार्केट, थोड़ी नज़दीक ही पड़ती है। तो हम चल रहे हैं मार्केट की साइड, आस है अब है। हम गाइस शॉप पे पहुंच गए हैं और हमने केक भी बुक कर लिया। ये हमारे अंकुर भैया की शॉप है, आप कभी भगवानपुर में अगर आप आओगे तो ये अंकुर अग्रवाल के नाम से यहाँ पे है बेकरी, मैंग के नाम से। तो आप आना यहाँ पे, बहुत अच्छा केक मिलता है और बहुत ही कम रेट मिलते हैं यहाँ पे। तो हम पहले खरीदारी कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग मिलते हैं हमारे साथ। है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। पता है क्या हुआ, आज मंडे है ना, तो मंडे को भगवान को बंद रहता है, तो भैया ने बड़ी मुश्किल से फिर भी हमको, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, फिर भी उन्होंने हमें सामान दे दिया था, वरना भाई पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। मेरे याद भी नहीं था कि मंडे को भाई भगवान पर बंद रहता है। तो हमें जब फिर हमने रिक्वेस्ट की, तो भैया ने शॉप अपनी खोली थी, हमारे लिए खोली है स्पेशल। तो फिर हम सामान लेके मार्केट से सामान लिए, अब हम जा रहे हैं अपने घर की साइड। तो घर जाके हम मंदिर को पूरा सजाएंगे, माता रानी को पूरा दरबार सजाएंगे, फिर जाके हम उनका मंडे बनाएंगे या शाम को बनाएंगे या अभी बना लेंगे, कुछ कह सकते हैं अभी। फिर अभी जाके वहाँ प्लान बनाएंगे कि रात को करें या अभी करें, तो देखते हैं अभी, वहीं जाके चलते हैं, अभी हम जा रहे हैं यार। तो हम मिलते हैं आपको घर पे ही। आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं दरबार में, हम सामान ले आए, सामान हमारे ये रहा। तो अब हम सामान को रखते हैं, फिर माता रानी को अब सजाते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो बर्तन हटा उठे यहाँ से, ये सामान रखा। केक भी लाया, हाँ। तो हमारा सारा सामान आ चुका है, इसमें केक है, टॉफी है, वो बलून है और अनार कैंडी है। तो अब हम चलते हैं मंदिर की साइड, हम मंदिर को थोड़ा देख साफ सफाई करेंगे। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है।
अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। फाइनली गाइस, तो हमारा मंदिर साफ कर दिया, हमने पोछा झाड़ू वाड़ू मार दी यहाँ पे। तो अब हम बलून फुलाएंगे, अब बलून फुला के फिर हम अंदर, इतना गीला हो रहा ना अभी, वो सूख जाएगा, सूखने के बाद फिर हम करते हैं आगे से। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम ना पाए। ऐसी जी तो फाइनली हमारे बलून सारे फूल गए जितने हैं थे, अब इनको हम लगाएंगे। इसके बाद हमारा प्रोग्राम बनाया है शाम का, ही है कि 4-5 बजे हम माता रानी के केक काटेंगे। किस टाइम काटेंगे? 5-1 बजे। तो अब हम सजाएंगे, हमने 5 बजे ही डिसाइड किया हमने सब ने कि 5 बजे सही है, और जो गैस से भी आ जाएंगे सभी आ जाएंगे ना, तो जब काटते अच्छा होगा। तो भाई ने ये फुला दिया गुब्बारा, नीचे की ना बढ़िया इसमें चमकीले गिर देने नीचे ही, तो ये हो गया हमारा। अब बड़े वाला बलून फुलाएगा जिससे कि हमारा कलाकार भाई सचिन फुलाएगा इसको। ये भाई कितनी जान लगा दी, इसकी सारी हवा निकल गई, समझ रहे हो ना। ये भाई देखो, मतलब कि कहता मेरा फास्ट आज उम्र का केला खा रहा, इसकी शिकल हमेशा याद रखना। क्या नाम है इस भाई का, नाम बताना चाहोगे आप? राजवीर नाम ही नहीं इनका। आँखों तो मिला, आँखें मिलाओ, आँखें से आँखें मिलाओ और केला से केला मिलाओ। कितना मोटा केला, समझ रहे हो? तो फाइनली हमारी डेकोरेशन हो चुकी है माता रानी की, तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि कैसी हुई। तो कमेंट में बताना माता रानी का दरबार हमने कैसा सजाया, अच्छा लगा हमारा तो जय माता दी, वरना नहीं लगा करो जब भी जय माता दी देखना, ठीक है? कमेंट में और कुछ कमेंट मत करना, ना सुपर ये अच्छे नहीं लगते क्योंकि जय माता जी का जन्मदिन है, तो जय माता दी लिखो या फिर कुछ भी ना लिखो। वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो फाइनली हमारी तैयारी सब कुछ हो गई, हमने माता रानी की जोत भी लगा दी, आरती भी होगी। तो अब हमें किसी का इंतजार है जो माता रानी का केक काटेगा, वो आने वाला है, और फिर हम जब वो आ जाएगा ना, हम नाम नहीं बताएंगे, बस हम उनसे मिलवाएंगे आपको। तो जब आ जाएगा माता रानी का केक कटवा देंगे उनसे ही, ये हमने तीनों भाई ने मिलके जो भी जैसा भी हुआ, बस हमने माता रानी का ऐसे ही कर दिया, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, दूसरों के लिए अच्छा हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमने जितना किया अपनी माँ के लिए हमने बहुत कुछ किया है, जब सबके लिए कुछ करते तो हमने बहुत कुछ किया है। ये हम अपनी माता रानी से मिलवा देते हैं, ये हमारी माँ है और ये हमारे बालाजी श्री राम जी हैं, वो भैरव बाबा जी है उधर साइड, ठीक है? तो हम वीडियो को अब हम जब केक का टाइम हो गया
जो हम उस टाइम मिलेंगे। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ऐसी ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए। तो फाइनली गाइस हमने माता रानी का बर्थडे कर लिया है। अब केक भी हो गया, सब कुछ हो गया। माता रानी का जन्मदिन हमने बहुत अच्छी धूमधाम से मनाया, सब आ गए थे। बस जिसके बारे में बता रहा था मैं नहीं आ पाया, उन्हें कुछ काम पड़ गया था इसलिए हम चले गए थे, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ हमारे लिए। और अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आते रहेंगे। तो आपको मैं सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि माता रानी सबको खुश रखना, सबके घर में सुख देना, सबके घर में सुख की खुशी, सबको जो मांगे उनकी मनोकामना पूरी करना। आज माता रानी के जन्मदिन से मैं यही मांगता हूँ कि सबको खुश रखना माता रानी, जिससे को जो भी गलती होगी सबको भूलूँ माफ़ कर देना। जय माता दी। तो हम मिल लेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी।